हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेवे की खीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अब खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है, और जब ये मेल्ट हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे सेवई। मैंने यहाँ पर 1.5 कप सेवई का इस्तेमाल किया और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक ये गोल्डन फ्राई ना हो जाए। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। 1.5 कप सेवई के लिए 1.5 लीटर दूध परफेक्ट है। दूध डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब एक उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे पकने के लिए साइड में रखते हैं, जब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पॉट में 1/2 कप चीनी ऐड किया और इसे लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, इसी तरह लो फ्लेम पर चाशनी तैयार करना है। अब सेवई में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश, नारियल, छुहारा ये सब लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे मलाई, मलाई यहाँ पर 4 टेबल स्पून है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब इसे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे भी सेवई में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची, ये 1/2 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमारी सेवई की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी रेसिपी। बाय बाय फ्रेंड्स।